तो ये है मेरे पास रियलमी C3, और रियलमी C3 में लास्ट अपडेट आया था 2 दिन पहले, C.15, A.15। तो A.15 का मैंने जब डिटेल्स यहाँ पर दिखाया था, तो वो डिटेल्स दिखाने बाद मैंने बताया था आपके लिए इसमें जायरो बोल के एक ऑप्शन इम्प्रूव हुआ है, जो गेम खेलने में काम आता है, पबजी खेलने में काम आते हैं। तो देखिए, ये A.15 अपडेट है, और उस टाइम मैंने वादा यहाँ पे किया था के लिए मैं वो फ्री फायर पबजी का टेस्ट जारो में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 50 मिनट पबजी खेलूंगा और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे काम कैसे कर रहा है जायरो, क्या इम्प्रूव यहाँ पे हुआ है। तो इससे पहले मैंने पबजी टेस्ट कर दिया था रियलमी C3 का, अगर अभी तक नहीं देखा देख लो। और ये मोबाइल C3 का मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर अभी तक आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। तो ये है स्टॉप वॉच का मोबाइल, सिर्फ 15 मिनट ही मैं खेल पाऊंगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं खेलूंगा क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी टेस्ट कर दिया था। और स्टार्ट कर देता हूँ, पहले मैं बैटरी आपको यहाँ पे चेक कर देता हूँ, बैटरी है 82%। और स्टॉप वॉच को करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और अगर हीट यहाँ पे चेक करें तो हीट है आपका 33.7 फ्रंट में और 34.7 है बैक में। तो यहाँ पे मैंने पबजी को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन करूँगा एक बार और स्कोप ऑन करूँगा एक बार, तो 5-5 मिनट करके आपको मैं दिखाऊँगा। टोटल 15 मिनट टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा जायरो यहाँ पे पहले से इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पबजी ऑन हो गया है, और सेटिंग्स में अगर जाए तो ग्राफिक्स HD और हाई है, और बेसिक में गया जाकर यहाँ पे जो स्कोप मोड है वो मैंने टैप पे रखा हूँ, और जायरो में ऑलवेज ऑन रखा हूँ। तो पहले कुछ टाइम में ऑलवेज ऑन में खेलूँगा और उसके बाद में स्कोप ऑन में खेलूँगा। तो इसमें ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तो ये देखो यहाँ पे काम जो हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा करते हो, देखो ऐसा काम कर रहा है यहाँ पे जायरो, ठीक है। तो और भी गेम मोड में आने के बाद थोड़ा सा और भी पता चलेगा आपको। तो ये ऑलवेज ऑन है, ऑलवेज ऑन में ऐसा है, तो कैमरा जितना है उसके अंदर ही मैं हिला पाऊंगा। तो ये देखो ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे जायरो का, तो यही है, थोड़ा सा इम्प्रूव लग रहा है मेरे को। मैं उस टाइम खेला था उस टाइम में हो रहा था, लेकिन इम्प्रूव थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद स्कोप ऑन करके भी मैं खेलूँगा, उसके टाइम पता चल जाएगा आपको। तो 7:30 मिनट होने दो, 7:30 मिनट के बाद मैंने वो स्टार्ट करूँगा और वो भी आपको यहाँ पे दिखा दूँगा।
यही है, ये है स्कोप ऑलवेज ऑन वाला जायरो, ये काम कर रहा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑन वाला, जिसका मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। एग्जिट करता हूँ इस गेम को और यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं। और ये है स्कोप ऑन वाला केस, तो स्कोप ऑन वाला करने के बाद स्टार्ट। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जब स्कोप ऑन में तो जैसा काम करता है ऐसे ही काम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, तो मैं दो चार पीस यहाँ पे पेन उठा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या हो रहा है। तो यही था जायरोस्कोप, आपने देख लिया। तो 15 मिनट बाद अगर हम यहाँ पे बैटरी 15 मिनट बाद यहाँ पर बैटरी देखे तो 82% में हमने स्टार्ट किया था, तो अभी है 78%, मतलब 4% यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और हीट देखे तो यहाँ पे 38 हो गया है, 38.4 डिग्री, और पैक में भी 38.3 डिग्री। तो यही था रियलमी C3 में जायरोस्कोप मोड टेस्ट आफ्टर अपडेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो इतनी ही।